यही तो देखभाल है। स्वागत है, स्वागत है दिल्ली में, दिल्ली की सड़कों में स्वागत है। और अभी बाहर घूम रहे थे, खाने पीने के लिए कुछ खाना लेने जा रहे थे, खाना लेके फिर घर पहुँचते हैं आपसे दोबारा। यहाँ भी बारिश ने पीछा नहीं छोड़ा और यहाँ भी मौसम बन गया बढ़िया। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, फिर से स्वागत है न्यू व्लॉग में। और अभी दे कार दे दूँ मैं अपना। अच्छा नहीं, अभी आया हूँ मैं भी, मैं गया हुआ था कन्याकुमारी रामेश्वर मंदिर, वहाँ गया हुआ था ना। अभी रुको मैं कार्ड दे रहा हूँ। बारिश ने यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा और बारिश ने पीछा, हम गलत बोल रहे थे कि बारिश ने पीछा नहीं छोड़ा, क्योंकि ये अभी मानसून है और मानसून आ गया, इसलिए कभी कम होती कभी ज़्यादा होती है। देखो दीवारों पर देखो डिज़ाइन बन गया सामने, वो देखो डिज़ाइन ज़्यादा कीड़े मकोड़े चल रहे हैं दीवार पर। तो घर आते ही छोटे मोटे काम पेंडिंग थे वो करवा रहे हैं, करवा लिए। मतलब एक बिजली का बिल वगैरह जो होते हैं ना, मीटर के बिल, पानी के बिल, मतलब हर चीज़ जो करवानी पड़ती है वो करवा ही रहा हूँ। जो डेली यूसेज की है, जो हम यूज़ करते हैं, वो आप भी यूज़ करते हो। एक काम और इम्पोर्टेंट था, जो कि इतनी गर्मी पड़ रही दिल्ली में, वहाँ तो मौसम बहुत बढ़िया था, यहाँ इतनी गर्मी पड़ रही है ना, मैं कहता हूँ बुरा हाल। एसी में जो दिक्कत ये आ रही थी कि गैस कम लग रही थी, मुझको कूलिंग नहीं कर रहा था। आइडिया था टेक्निकल तो हम भी अच्छे हैं, फिर गैस दिलवाने के लिए अभी भाई को बुलाया मैंने, तो गैस चेक कर रहे हैं, अभी बंद हो गया, दिखाता हूँ आपको। कंप्रेसर बंद हो गया तो उसके चक्कर में ना गैस डालनी नहीं बनती है ना, गैस नहीं पा सकते ना। सिलेंडर देखो इतना ज़बरदस्त है, मेरे को बड़ा पसंद आया, मैं सोचा इसमें ना स्कूटी में लगा लूँ सामने। तो अभी मैं जा रहा था शॉप पर और एक पल्सर गाड़ी है 150 मेरे ख्याल, हाँ 150 है न्यू मॉडल, उसकी ना चैन में से आवाज़ आ रही है। तो यार दोस्त की है, छोटा भाई हमारा, तो वो कह रहा था यार बाइक की में आवाज़ बहुत आ रही है, क्योंकि वो डेली उसकी 50-60 किलोमीटर चलती होगी, तो इसलिए वो कह रहा बार बार आवाज़ आ रही थी। क्योंकि हर पता क्या होता है यार, कोई भी बाइक हो ले लो आप, चाहे सिंपल ले लो चाहे सुपर बाइक ले लो, कोई छोटी सी भी आवाज़ आए ना उसमें इरीटेट करती है दिमाग में ना, मन नहीं करता चलाने का। चलाते हुए भी अगर टिक कुछ भी आवाज़ आए ना, मतलब टिक 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 की या कुछ भी आवाज़ आए, तो वो इरीटेट बहुत ज़्यादा करती है, दिमाग पे चढ़ती है वो आवाज़। तो इसलिए वो कह रहा है कि यार शॉप पर आ जाओ। मैंने कहा चल मैं भी चलता हूँ, काफ़ी टाइम से मैं भी नहीं गया, 14 दिन तो मुझे हो ही गया टूर पे, मतलब 14 दिन बाद जा रहा हूँ। 3 तारीख से निकले थे हम, ये जो रोड ट्रिप थी आपने देखी होगी पिछली वीडियो सारी एपिसोड्स, ये रोड ट्रिप थी कि 3 तारीख से लेके 14 तारीख को मैं दिल्ली एंटर हुआ था अपने घर पे। तो 11 दिन की लगभग अपना 11 दिन की ट्रिप थी ये पूरी, मज़ा आ गया ट्रिप में, सारा कुछ कवर किया, आपने देखा ही होगा, अच्छी लगी होंगी वीडियो आपको, और ड्रोन शॉट भी अच्छे लगे होंगे। तो ठीक है पहले निकालते हैं स्कूटी नीचे आके, और स्कूटी भी स्टार्ट करनी है और बाइक भी स्टार्ट करनी है। बाइक की भी वॉशिंग रह गई थी पिछली बार, आपने देखी होगी चंडीगढ़ वाला जो एक व्लॉग था मेरा मोटर व्लॉग, उसमें देखा होगा आपने कि कितनी गंदी हो रही थी और धुलवाई भी नहीं थी, क्योंकि अब शोरूम पे गया था वहाँ मेरे पास टाइम नहीं था, 2:30 बजे उनका लंच टाइम हो गया था, तो मैंने निकलना था चंडीगढ़ के लिए, तो वो भी अभी पेंडिंग रह रही है वॉशिंग, वो भी करवाएंगे शोरूम जाके। और बाकी का जो वहाँ का सीनियर से बात भी करेंगे, सर्विस मैनेजर से बात करेंगे, उससे भी बात करनी है, क्योंकि उस टाइम जो 3 तारीख को बात हुई थी उसके बाद बात हुई नहीं, कुछ बाइक के रिलेटेड बात है वो भी करेंगे आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं बाइक वहाँ पे, सबसे पहले चलते हैं शॉप पे, वो तो पहुँच ही गया है, ज़्यादा गंदी हो रही है, इसको भी धोएंगे यहीं पे लगा के या अंदर या बाहर। और बाकी ठीक है यार, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया ना सब्सक्राइब कर लो यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, सब्सक्राइब बहुत लोगों ने नहीं किया, मैंने एनालिस्ट चेक की थी 80% बंदों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा, 20% बंदों ने सब्सक्राइब किया होगा। स्टार्ट नहीं करी, अब स्टार्ट कर देखते हैं कि स्टार्ट होती नहीं होती। हो गई पहले सेल्फ पे स्टार्ट, क्या भाई तो देखभाल है भाई, बाइक तो पहले ही इतनी गंदी थी और अब इसको भी धुलवाएंगे। कहाँ बैठा है भाई साहब, ये ले रहा मजे जिंदगी के, पंखे के नीचे बाइक तो तेरी बाहर खड़ी, बाइक को भी तो घुसेड़ ले, हवा लगवा ले उसको भी। तो अभी चला गया हूँ ना स्कूटी, कल हवा डलवाई थी इसमें ना, ज़्यादा हवा भर दी अगले टायर में और खड्डों में मार रही है ठक ठक बहुत ज़्यादा, हवा निकालते हैं इसकी थोड़ी सी।
थोड़ी सी निकाली हवा, चेक करेंगे चला के पता लगेगा। सर जो मैंने बताया आपको 150 अभी थोड़ी से पहले, और ये इसमें ये देखो यहाँ से ये बैठा नहीं हुआ, सामने रबड़ दिख रही है वाली सामने ब्लैक वाली, बैठा नहीं हुआ पीछे से देखो, यहाँ से नहीं बैठा हुआ अंदर से आ गया। तो अभी चैन टेड की है बाइक में, चैन टेड चैन की बात थी, चैन बहुत ढीली थी। और कब लगा था चैन सर? 2-3 महीने हो गए। 2-3 महीने हो गए थे। और जैनवन डलवाया था या लोकल? जैनवन डलवाया था, 2-3 महीने हो गए, अब जाके ढीली हुई है चैन। और अब कैसे लग रही गाड़ी? बढ़िया, जैसे पहले थी नॉर्मल वैसे हो गई है, जैसे पहले जैनवन कंपनी से आई थी वैसे हो गई है, जैसे कंपनी से आई थी वैसे हो गई है। काफ़ी टाइम बाद ढीली हुई है, चलाता ही बहुत है। कितनी चलती तेरी? मेरी चल जाती है रोज की 50 किलोमीटर, 50-60 के करीब चल जाती है इसकी गाड़ी। चलाने लग गया लड़का, पहले चलाता नहीं था, पहले सुबह स्टार्ट करके खड़ी कर देता था गाड़ी, कपड़ा भी नहीं मारता था। अब गाड़ी की हालत देखोगे ना, लगेगा आपको कि चलती है गाड़ी रोड पे, है ना। मौसम कितना बढ़िया हो रहा है, बारिश वाला हो रहा है ना, फिर चाय पकौड़े वाला मौसम है ना। कह रहे आपको 1000 सब्सक्राइबर इस वीडियो पे करवाने। हाँ टारगेट देख लो, लड़के ने बोल दिया, मैं तुम्हें बोलने लगा था इससे पहले, लड़के ने बोल दिया कि टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर तो करा दो कम से कम, उसके बाद हम हाइड हटा देंगे। मतलब जो हाइड हुए पड़े सब्सक्राइबर वो हटा के हम अनहाइड कर देंगे, जिससे आपको भी पता लगे हमारे साथ कितनी फैमिली बढ़ गई है, कितनी फैमिली बड़ी होगी हमारी वो पता लग जाएगा। ताकि वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। देख लो क्या कह रहा लड़का, करना चाहिए, मेहनत लगती है। चलो ठीक है, अभी मैं कहीं और जा रहा हूँ, और भूख भी लग रही है थोड़ा, कुछ खाने के लिए जा रहा हूँ, उसके बाद आपको दोबारा मिलता हूँ। कैसे कैसे सही होता है, क्या करता मेरे होता क्या करता क्या नहीं, दोबारा होता सही से जो पहले वाली जो बारी करते। 10:30 बजे KFC में, और अभी आपको बात बताता हूँ, हमने ऑर्डर दिया बकेट करी, ऑर्डर करी बकेट, और कितने की थी ये 429 रुपये की। अभी आपको दिखाता हूँ स्क्रीन में जूम करके, सामने 11 नंबर पे है 429 रुपये। जब हमने कार्ड स्वैप कराया ना, तो उसमें आई उसमें कितने अमाउंट है 555 रुपये, मतलब 100 रुपये का टैक्स ही टैक्स है यार, कमाल हो गया। The next day. तो भैया आ गए हैं अपने, और ये देख लो सर्विस कर रहे हैं एक्वा गार्ड की, एक्वा गार्ड है ना। हाँ एक्वा गार्ड है। कितना गंदा हो गया भैया? ये बहुत गंदा हो गया है, ये देखो फिल्टर है ना, ये फिल्टर है, ये फिल्टर, फिल्टर गंदा हो गया, ज्यादा बहुत गंदे हो रहे हैं, पानी स्मेल आ रहा है। और कब ये नई फिल्टर है, ये नई फिल्टर ऐसे लगती है, अब ये पुरानी वाली है। अच्छा ये डिफरेंस कितना है? डिफरेंस हाँ, उसके बाद पानी सही सही हो जाएगा। मतलब कितने महीने में करवानी पड़ती है सर्विस? ये 3-4 महीने के बाद, 3-4 महीने के बाद सर्विस करानी जरूरी है ना। तो चलो मैं अभी अपनी शक्ल दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं अभी रेडी नहीं हुआ, तो इसलिए अभी भैया कह रहे थे कि आपकी सारी वीडियो देख रहे थे हम कि आप घूमने गए थे। भैया तो हमें पहले से जानते हैं, वीडियो से पहले के जानते हैं हमें, और भैया ने जब वीडियो देखी ना तो भैया को बहुत अच्छी एंटरटेन लगा, अच्छी लगी। भैया कह रहे थे कि बहुत बढ़िया लगा वीडियो में देख के, कह रहे अभी भी देखता हूँ, आज भी मैंने वीडियो डाली वैसे, कल छोड़ गई थी वीडियो। तो चलो मिल के आप रेडी होके मिलता हूँ आपको दोबारा। तो ये था छोटा सा व्लॉग, और घर पे जब आओ ना कहीं से घूम के तो छोटे मोटे काम बहुत होते हैं, जैसे आपको मैंने भी बताया गया मेरे एसी की गैस भी थी, वो जो लीक हो रही थी वो भी करवाई, मतलब छोटे मोटे सारे काम होते हैं जो जिसको घर की जिम्मेदारी पड़ जाती है ना, तो उसको सारी चीज़ें पता होती है। पूरी वीडियो में बताऊँगा इस बात को। और एक बात और, जो हमारी हिमालयन है, हिमालयन में जो काफ़ी काम रह गया था, जैसे कि मैं चंडीगढ़ पर गया था, जो वॉशिंग रह गई थी और भी उसका चेकअप रह गया था बाइक का, तो वो एक तो उसकी हेडलाइट के आगे का कांच वो टूटा हुआ था, तो मैंने आज कंपनी को बोला फ़ोन करके, उन्होंने मेरे से वीडियो वगैरह मांगी और वो सारा कुछ डिटेल मांगी, मतलब RC की फ़ोटो वगैरह मांगी, मैंने भेज दी, क्योंकि उनको ऑर्डर करना होता है कंपनी से वारंटी के लिए, मतलब मेल करनी होती है, जो भी प्रोसेस होता है मुझे नहीं पता, पता करूँगा मिल के। बस यही था वीडियो में, छोटा सा व्लॉग था, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, बेल आइकन को ऑल कर लेना। और अब तो एनालिस्ट मेरी, अब मैंने चेक किया 70% बंदे अब जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, पहले 80 थे अब 70 है, 10% बंदों ने सब्सक्राइब कर लिया। थोड़ा बहुत बताना पड़ेगा आपको कि सब्सक्राइब करना, नीचे लाल सा बटन आ रहा होगा सब्सक्राइब का, उसको क्लिक करो और बेल आइकन को ऑल कर दो,
और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, मीत अमृतसरिया 95 के नाम से है, उस पर भी रील्स वगैरह आती रहती हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।